14.66 रन प्रति ओवर की औसत से आने वाली 36 बॉलों से 88 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। टाइम का विशेष ध्यान रखें, आने वाली 36 गेंदे रन बनाने हैं 88, ये फाइनल है। इधर गेंद करने के लिए वकार को आक्रमण पर तालाब किया गया है। पारी के पांचवें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वकार को बुलाया गया है और पांचवें ओवर में इधर बाएं हाथ के बल्लेबाज अरविंद बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चार ओवर के खेल के बाद 82-36 गेंदों से 88 रन, यहां से विपिन 11 को बनाने हैं। 8 विकेट हाथ में हैं और 20 रन देने वाले गेंदबाज को पहले 7 ओवर में अगर कोई गेंदबाज 20 रन लुटाता है तो जाकिर भाई की तरफ से 1000 रुपए का नगद पुरस्कार आया है। सीपीएस कप के ऑनर हैं और आयोजनकर्ता। और इस बार गेंद को खेला है, खतरा हो सकता है। गेंद के नीचे शहबाज, कमाल का कैच और यहां से अरविंद का विकेट गिर गया। अरविंद का विकेट, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसाया। वकार की ऑफ स्टंप पर रखी गई बॉल, लो फुल टॉस और सीधे हाथ में मार बैठे हैं अरविंद। पहल तीसरा विकेट गवा दिया है विपिन 11 ने 48 के स्कोर पर। अफरीदुल टेनिस बॉल का एक और बेहतरीन बल्लेबाज भी इस मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहा है, बाएं हाथ का कब्बू बल्लेबाज। 48 के स्कोर पर तीसरा विकेट यहां से गवाया है विपिन 11 ने। अरविंद के रूप में एक बड़ा विकेट, बड़ी मछली सेट होने के बाद जाल में फंसाया वकार हैदर। ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई बॉल, लोअर फुल टॉस बॉल थी और सीधे खड़े शहबाज मैक्सी के हाथों में लॉन्ग ऑफ पर खेल बैठे। कोई गलती नहीं की और बेहतरीन कैच लपक कर उनकी पारी का अंत कर दिया। इधर बाएं हाथ के बल्लेबाज अफरीदुल के लिए गेंद करेंगे वकार। पारी का पांचवां ओवर फेंका जा रहा है, 48 के स्कोर बने हैं और जो पांच खिलाड़ी समय बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और अब खिलाड़ी को एक और अंदर बुला लिया गया है दायरे के अंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज अफरीदुल के लिए। आने वाली 30 गेंदों के खेल में 81 रन की दरकार रह गई। बलराम पांडे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बलराम पांडे गेंदबाजी के आक्रमण पर तलब किए गए हैं और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पांचवें गेंदबाज के तौर पर इन्हें आक्रमण पर बुलाया गया है और किस तरह की गेंदबाजी करते हैं पांडे। वहां से 76 रन राशिद 11 ने बनाए थे और अब 49 रन बनाए हैं विपिन 11 ने। इधर तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए बलराम पांडे, उनकी गेंदों का सामना करेंगे अफरीदुल। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, इधर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। पारी के छठे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर रखी गई, बॉल को ड्राइव किया है कारपेट के सहारे, एक रन के सहारे स्कोर को पहुंचा दिया है 50 रन के कुल योग पर। यह 50 रन 5.1 ओवर के खेल के बाद बनाए गए हैं। 50 की रन संख्या इस समय बनाई गई है। पारी के छठे ओवर की गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं और सुमित बाबा को क्वार्टर फाइनल में वाली मुकाबले वाली पारी यहां से अब खेलनी होगी अगर विपिन 11 को इस फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करनी है। इधर एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाज बलराम पांडे, लगातार फील्डिंग में परिवर्तन। विकेट कीपर के अलावा लेग स्लिप पर खिलाड़ी, स्लिप में खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी को रखा गया है, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी को रखा गया है और इस बार हवा में मारा गया शॉट, टीम एंडा सीट गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। स्कोर को पहुंचाया इस छक्के के सहारे 56 रन के कुल योग पर। जबरदस्त तरीके से मारा गया था शॉट, मिड विकेट के बाहर बॉल को भेजा था सुमित बाबा ने। दर्शकों में निश्चित तौर पर एक खामोशी देखी जा रही है इस फाइनल मुकाबले में, कौन होगा वो आखिरी विजेता ये देखने वाली बात होगी। इधर एक बार फिर से पांडे गेंद करने के लिए गए विकेट पर, बल्लू ने गेंद को ड्राइव किया है कारपेट के सहारे, रन के लिए निकले हैं। जब तक बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आदर्श गेंद को जाकर उठाते थ्रो करते एक रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 58 रनों के कुल योग पर। पारी के चौथे ओवर की गेंदबाजी इस समय की जा रही है, छठे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। 58 के स्कोर बने हैं 4 विकेट गंवाने के बाद और इसके बाद 4 ओवर का खेल शेष बचेगा और बचे हुए 4 ओवर्स में देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं विपिन 11 के बल्लेबाज अफरीदुल और दूसरे बल्लेबाज बल्लू इस समय बीच मैदान पर हैं। इधर एक बार फिर से गेंद करने के लिए गए विकेट पर, इस बार हवा में मारा गया शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं शहबाज, एक और विकेट यहां से गिरेगा ऐसा लगा नहीं और कैच छूट गया। चौथे अटेम्प्ट में कैच को लपकना चाहते थे, उस जीवनदान मिला है, यहां से बढ़िया प्रयास किया गया था लेकिन कैच नहीं लपक पाए। ओवर समाप्त, 6 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है और 6 ओवर के खेल के बाद 59 रन के स्कोर बनाए गए हैं।